रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम सीएम आवास पहुंचेगी। ईडी की टीम जोनल ऑफिस से थोड़ी देर में कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचेगी। टीम में संभवतः दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईडी ऑफिस को लेकर मुख्यमंत्री के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम जो है कुछ ही देर में उनके आवास पर पहुंचेगी और इसके बाद जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़े किए गए हैं और तकरीबन 900 जवानों को जो है सीएम आवास के बाहर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक सामने ना आए और थोड़ी देर में जो है सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुँचेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है, क्या जानकारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी का सवालों का सामना होना है और आज पूरे राज्य राजधानी से लेकर के पूरे राज्य में आदिवासी समुदाय यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी रोष है। और आप देख सकते हैं कि पूरे मुख्यमंत्री आवास के बाहर काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। अभी कुछ अभी ईडी टीम कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। इसके पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे और इरफान अंसारी, ये तमाम ऐसे विधायक हैं जो अभी मुख्यमंत्री आवास के अंदर खड़े हैं। तो कार्यकर्ता को रोष काफी कमजोर है, वो लगातार सरकार के केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि काफी रोष है इन लोगों में। ये उनको कहना है कि ये छोटी समझी षड्यंत्र के तहत साजिश के तहत मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, सरकार तोड़ने की साजिश की जा रही है, ऐसे तरह तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी इस काफी गर्मा गर्मी माहौल है, कड़ी सुरक्षा के पाबंद किए गए हैं। इसी तमाम चीजों को लेकर के भी पूरे राज्य है वो आक्रोश के रूप में खड़ा हुआ देखा जा रहा है। जी, इतने बड़े स्तर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनाती की गई है और क्या किन किन चीजों से इस दौरान जो है डर है? सीएम आवास को चारों तरफ से जो है कवर किया गया है। देखिए, कल इस ईडी के समन को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं नहीं अपना वो समय और तारीख दोनों निर्धारित की थी, लेकिन इसके लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी ने पूरे राज्य के एसपी और उपायुक्त से कहा था कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखनी है, यानी किसी प्रकार के कोई भी गलतियां या कोताही बरती नहीं जाएगी। इसलिए तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं, सीपीएसपी स्वयं मोर्चा को संभाले हुए एसएसपी स्वयं मौजूद हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। इस जो मुठभेड़ है, रोष होना है, इसको लेकर के काफी तनाव में है लोग और पूरी बड़ी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीजों का अभी ये सारी कार्यकर्ता अभी ईडी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे, उनका क्या निर्णय होता है ईडी को लेकर के उसको उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जब तक ईडी उनसे जब तक सीएम आवास से पूछ करके बाहर नहीं चली जाती है तब तक हम ये बाहर में सीएम आवास के बाहर हम खड़े रहेंगे। जी अच्छा, क्या लगता है इस बार जो है उनके बयान दर्ज हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी 6-7 बार जो है उनको समन भेजा गया था ईडी की ओर से लेकिन वो हाजिर नहीं हो पाए थे। हालांकि अब जो है उनकी तरफ से खुद ही ये पहल किया गया है और उन्होंने 20 जनवरी का टाइम जो है दिया था ईडी को, तो क्या आज इनके बयान दर्ज हो पाएंगे? बिल्कुल आपका सही सवाल कहना है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री पहली बार जब समन भेजा गया था तो मुख्यमंत्री सीएम जो हैं वो ईडी के कार्यालय पहुंच करके अपना बयान दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद लगातार ईडी ने उनको समन भेजा। ये 8वां समन है और 8वें समन में उन्होंने अख्तियार ईडी ने अपनी शक्तियों का अख्तियार करते हुए
पीएम हेमंत सोरेन से यह पूछा था कि आपको बार बार समन भेजने के बाद भी आप अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो क्या PML 50A2 के तहत आइए से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे संवैधानिक पदों पे आपका कानून का उल्लंघन ठीक नहीं है, कि ऐसे में राज्य की व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है। इस जवाब के बाद तमाम जवाबों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर से सचिवालय कर्मियों के माध्यम से ईडी को पत्र भेजा और कहा कि आप हम जो भी पूछताछ करनी है आप हमारे आवास आकर के ये जानकारी ले लें, और उन्होंने ही समय आज का 20 तारीख का जो दिन तय किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।